गर्मी के मौसम में सभी को आम पसंद होता है और आइसक्रीम पसंद होती है, तो चलिए आज हम दोनों को मिलाकर बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 आम लिए हैं। आमों को हमने पहले अच्छे से धो लिया है, इन्हें हम धोकर रख देते हैं प्लेट में। इस समय मार्केट में बहुत ही अच्छे आम आ रहे हैं, बहुत ही पके पके से बहुत ही अच्छे। आप चाहे तो यहाँ पर मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए भी किसी भी आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आम है वो एकदम पका हुआ होना चाहिए। ये देखिए देखने में कितने अच्छे हैं, एकदम फ्रेश आम है। जो मार्केट वाली आइसक्रीम मिलती है उससे भी ज़्यादा आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 आम लिए हैं। आम को हमने पहले अच्छे से धो लिया। सबसे पहले हम आमों को छील लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने आम का जो पल्प है वो निकाल लिया है। जब तक हम इसके लिए कंडेंस मिल्क बना रहे हैं तब तक इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ काजू और कुछ बादाम। ओवरनाइट के लिए हमने इसे भीगने के लिए रख दिया था और ये काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। और जो बादाम है उनका हमने जो छिलका है वो निकाल लिया है, और जो काजू हैं वो भी काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं, क्योंकि जब हम इसे ऊपर से डालते हैं और जो बड़े बड़े टुकड़े मुंह में आते हैं तो बच्चे उसे निकाल देते हैं और बच्चों का उनका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता, इसलिए इसे हमने रात में भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसको हम साइड में रख देते हैं, बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, पैन में हम डाल देते हैं 2 कप दूध। यहाँ पर दूध आप कोई भी ले सकते हैं, ठंडा गर्म फुल फैट क्रीम वाला या मलाई निकला हुआ कोई भी दूध ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मलाई निकला हुआ दूध लिया है 2 कप। यहाँ पर हमने लिए 1 छोटा कप चीनी। चीनी आप अपने आम के अनुसार डाल सकते हैं, आम बहुत मीठे हैं तो चीनी की मात्रा को थोड़ा कम रखिए। आइसक्रीम में वैसे थोड़ी चीनी ज़्यादा लगती है, जब वो ठंडी हो जाती है तो उसकी जो मिठास है थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम या ज़्यादा। यहाँ पर 1/2 कप हमने लिया है मिल्क पाउडर। आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है। 1 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालना है, बस छोटा 1 चम्मच ही डालना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो यहाँ पर आप कस्टर्ड पाउडर भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं केसर के कुछ धागे, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है, है तो डालिए नहीं तो वरना आप इसे स्किप कर दीजिए। गैस पर रखने से पहले अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। गैस पे दूध गर्म होने के बाद अगर आप इसमें ये सारी चीज़ें डालेंगे तो थोड़ा लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए पहले इन सारी चीज़ों को ठंडे दूध में ही मिक्स कर लीजिए। जब ये सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे हम रख देंगे गैस के ऊपर। लो फ्लेम पे गैस पे हम इसे रख देते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। फ्रेंड्स केसर डाला था, केसर की वजह से यहाँ पर जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, इसे लगातार चलाते हुए इसे थोड़ा सा थिक कर लेना है। बीच बीच में आप गैस के फ्लेम को हाई कर सकते हैं, जैसे ही दूध में उबाल आने लगे गैस के फ्लेम को आप स्लो कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स जो हमने कंडेंस मिल्क बनाया है घर की चीज़ों से अच्छी थिक हो गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो केसर था थोड़ा मुझसे थोड़ा ज़्यादा डल गया है, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। और इधर हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद। कंडेंस मिल्क है इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो मैंगो पल्प है इसको और जो हमने ये काजू और बादाम को भिगो कर रखा हुआ था, यहाँ पर हमने ग्राइंडर जार लिया है और जो मैंगो को हमने काट कर रखा हुआ था इसे हम ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो काजू और बादाम को हमने फुला कर रखा था उसे भी हम जार में डाल देते हैं। अब इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसका एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो हमने कंडेंस मिल्क बनाकर रखा था उसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहाँ पर हमने लिए 1 छोटी कटोरी घर की मलाई, ये सभी घरों में आसानी से मिल जाती है, क्रीमी टेक्सचर आएगा इससे। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश वाली जो क्रीम आती है उसे भी ले सकते हैं। इसको भी हम एक बार फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए इसका कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है, जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है, जो सारा बैटर है कंटेनर में डाल देते हैं। अब इसे हम कवर कर देते हैं, ये थोड़ा सा बैटर और बच गया था इसे भी मैंने एक कंटेनर में कर लिया है, इसे भी कवर कर देते हैं। अब इन दोनों कंटेनर को हम फ्रिज में रख देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे हो जाएंगे तब इसके बाद हम आपसे मिलेंगे। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं,
मैंगो आइसक्रीम को हमने फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये आसानी से निकल जा रही है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, पर इसे मैं दोबारा से ग्राइंडर जार में डालकर फिर से ग्राइंड करूँगी। इसमें आइस के जो क्रिस्टल हैं अभी पड़ नहीं पाए हैं, सिर्फ सेमी सेट ही से हमें रखना है। इन सारे आइसक्रीम को हम ग्राइंडर जार में डाल देते हैं और दोबारा से ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमें 30 सेकंड के लिए पल्स मोड पर फिर से ग्राइंड करना है। ये देखिए, इसे हमने पल्स मोड पर 30 सेकंड के लिए ही चलाया था, इसे ज़्यादा नहीं चलाना, वरना जो हमने सेमी सेट आइसक्रीम करके रखी थी वो पूरी मेल्ट हो जाएगी और जो हमारी आइसक्रीम बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी। अब इसे हम वापस से एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक छोटा आम लिया है, इसे छिल कर इसके भी छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेते हैं। इस मैंगो के हम छोटे छोटे से पीसेस कर लेते हैं। जब इन मैंगो के छोटे छोटे पीसेस हम आइसक्रीम के ऊपर डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब मुंह में छोटे छोटे से इसके बाइट्स हैं वो आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये आम के जो कटे हुए पीसेस हैं इसे हम ऊपर से डाल देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ कटे हुए पिस्ता लिए हैं, इसे भी हम ऊपर से डाल देते हैं। ये जो कतरन है ये भी मुँह में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, बट हमने ऑलरेडी पहले से ही इसमें काजू और बादाम को फुलाकर डाला है तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी चेरी ली है रेड कलर की, ये सिर्फ गार्निश के लिए डाल रहे हैं, थोड़े अच्छे लगे देखने में। हमने यहाँ पर लिया है रैपिंग पेपर। अब इस रैपिंग पेपर को हम आइसक्रीम के ऊपर सतह से लगाते हुए अच्छे से लगा देते हैं ताकि जो हमारी आइसक्रीम है बिल्कुल भी हार्ड ना हो और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हो। कंटेनर को हम कवर कर देते हैं। अब वापस से हम इसे रख देते हैं फ्रीज़र में 8 से 9 घंटे के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंगो आइसक्रीम को हमने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। ये दूसरे दिन की वीडियो है। अब जो हमने ऊपर से जो पेपर लगाया था इसे हम धीरे धीरे से निकाल देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। अब हम इस स्क्रूवर की सहायता से आइसक्रीम को निकाल लेते हैं। भी आप स्क्रूवर से आइसक्रीम को निकालें तो पहले इसे गर्म पानी में डाल दीजिए। अगर आप किसी भी चम्मच से या किसी से भी निकालते हैं तो उसे पहले गर्म पानी में डाल दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आज की जो मेरी मैंगो आइसक्रीम है आपको कैसी लगी। ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए मेरे चैनल रॉयल इंडियन किचन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।